पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग ने तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। वित्त वर्ष 2015 से 13-23 के बीच खिलौना निर्यात में 239% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 52% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज भारत खिलौना उद्योग का मुख्य निर्यातक बन गया है। भारत में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, चीन प्लस वन रणनीति और मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 70% किए जाने से भारतीय खिलौना उद्योग में तेजी आई है। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक हालांकि हैसब्रो, मेटल स्पिन मास्टर और अर्ली लर्निंग सेंटर जैसे वैश्विक ब्रांड आपूर्ति के लिए देश पर अधिक निर्भर हैं, लेकिन इटली की दिग्गज कंपनी ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इंकास्ट जैसी प्रमुख विनिर्माता अपना ध्यान धीरे धीरे चीन से भारत पर केंद्रित कर रहे हैं। बीआईएस के नियमन से पहले खिलौनों के लिए भारत की चीन पर 80% निर्भरता थी, जिसमें से अब काफी कमी आई है। टायर निर्माता एमआरएफ के स्वामित्व वाली चेन्नई की फन स्कूल के मुख्य कार्यकारी आर जसवंत का कहना है कि मैं नहीं मानता कि चीनी क्षमता को बीआईएस द्वारा स्वीकृत किया गया है। आयात पर घरेलू भारतीय उत्पादों का दबदबा है। 10 साल पहले भारत से खरीदारी काफी कम होती थी, आज कई कंपनियों ने भारत में अपना आधार तैयार किया है। कंपनी द्वारा उत्पादित करीब 60% उत्पाद अब निर्यात बाजारों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका में जीसीसी, यूरोप के 33 देश शामिल हैं। उनका कहना है कि बीआईएस जैसे सरकारी नीतिगत समर्थन के साथ ये निर्यात जल्द ही 40 से ज्यादा देशों को किया जाएगा।